दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने नीरज बुक्स के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। अभी यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसके तहत अगर आप 500 का बुक्स परचेज करते हो तो आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, और उसके लिए आपको नीरज बुक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर करना होगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक इंक्लूडिंग सैंपल क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग इस ऑफर का डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक को चेक करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने दिसंबर 21 टर्म एंड एग्जाम के लिए न्यू डेट शीट रिलीज कर दिया है, या कहें रिवाइज डेट शीट रिलीज कर दिया है, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। इससे पहले आप लोग को याद होगा कि इग्नू ने 26 अक्टूबर को पहला डेट शीट रिलीज किया था, लेकिन उस डेट शीट में बहुत सारे सब्जेक्ट कोड ऐसे थे जो मिसिंग थे, जिसका एग्जाम डेट को अनाउंस नहीं किया गया था। लेकिन जो 17 नवंबर को डेट शीट रिलीज किया गया है उसमें वो सभी मिसिंग सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया है। प्लस जो पहला डेट शीट रिलीज किया गया था उसमें जो भी एग्जामिनेशन के डेट दिए गए थे उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके एग्जाम के डेट को चेंज कर दिया गया है और उनको अलग डेट पे शिफ्ट कर दिया गया है। सो, जो न्यू रिवाइज डेट शीट रिलीज किया गया उसमें क्या क्या बदलाव किया गया है और कौन कौन से एग्जाम के डेट चेंज किए गए हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। तो ये है पुराना डेट शीट जो 26 अक्टूबर को रिलीज किया गया था, और ये है न्यू डेट शीट जो 17 नवंबर को रिलीज किया गया है। इंस्ट्रक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। एग्जाम का स्टार्ट होने का जो डेट है उसमें और एग्जाम खत्म होने का डेट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। चेंजेस किया गया है एग्जाम के डेट में। जैसा कि मैंने आप लोग को प्रीवियसली जो डेट शीट के ऊपर वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने यही बोला था कि जो एग्जाम का डेट स्टार्टिंग डेट है और जो खत्म होने का डेट है उसमें चेंजेस होने की संभावना बहुत कम है। अगर चेंजेस होंगे तो जो एग्जाम के डेट है उसमें फेरबदल किया जाएगा और उसको इधर उधर शिफ्ट किया जाएगा, और वही किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं सभी स्टूडेंट को ये रिकमेंड करूंगा कि जो भी स्टूडेंट ने पहले ऑलरेडी 26 अक्टूबर के डेट शीट के अकॉर्डिंगली अपना एग्जाम का शेड्यूल नोट डाउन कर लिया था वो फिर से अपना कॉपी कलम निकाले और फिर से 17 नवंबर को जो डेट शीट रिलीज किया गया है उसके अकॉर्डिंगली में अपना एग्जाम का डेट को नोट डाउन कर ले, ठीक है। और जो भी डेट में चेंज किया गया होगा पहले डेट शीट के मुकाबले तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि ये एग्जाम का डेट आपका चेंज कर दिया गया है। मैं आप लोग को एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले 20 जनवरी को एग्जाम स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। 20 जनवरी में यहाँ पे देखो कि PHE 11, पुराने जो डेट शीट रिलीज किए गए थे वहां पे PHE 11 20 जनवरी को नहीं हो रहा था, ठीक है। वहां पे PHE 11 का कोड नहीं दिया गया था, लेकिन जो न्यू डेट शीट रिलीज किया गया है उसमें 20 जनवरी को ही PHE 11 का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। ये चेंजेस कर दिया गया। उसके अलावा पुराने डेट शीट में देखो LAC 02 20 जनवरी को कंडक्ट करवाया जा रहा था, ठीक है, लेकिन इसको अभी शिफ्ट कर दिया गया 22 जनवरी में। तो जो न्यू डेट शीट रिलीज किया गया वहां पे देखो LAC 02 का एग्जाम 22 जनवरी को कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसके अलावा पुराने डेट शीट में 20 जनवरी को ये सभी पेपर ऐड नहीं किए गए थे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो पुराने डेट शीट में ये सभी सब्जेक्ट कोड नहीं दिए गए, लेकिन न्यू डेट शीट में ये सभी सब्जेक्ट कोड का एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। BECC 132, 134 ये सभी न्यू सिलेबस के पेपर है, ठीक है। इसके अलावा BEGA 182 1 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ये इस डेट शीट में ऐड कर दिया गया है BEGA 182। लेकिन पुराने अगर डेट शीट में अगर आप लोग देखोगे तो उसमें 1 फरवरी को BEGA 182 एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लोगे तो BEGA 182 आप लोग को यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो इसको ऐड कर दिया गया है। उसके साथ साथ में CHE 4 का जो एग्जाम था उसको 22 फरवरी को शिफ्ट कर दिया गया है। पुराने डेट शीट के अकॉर्डिंगली में CHE 4 का जो एग्जाम है वो 1 फरवरी को कंडक्ट करवाया जा रहा था। यहाँ पे आप लोग देख लो CHE 4 का एग्जाम 1 फरवरी को इवनिंग सेशन में हो रहा था, लेकिन उसको अब चेंज कर दिया गया है और 1 फरवरी की जगह पे उसको अब कंडक्ट करवाया जाएगा 22 फरवरी को, ठीक है। यहाँ पे देख लो 22 फरवरी को CHE 4 का एग्जाम ऐड कर दिया गया है इवनिंग सेशन में, तो ये चेंजेस किए गए हैं। उसके अलावा BPCC 132 का जो एग्जाम है वो पहले 2 फरवरी को कंडक्ट करवाया जा रहा था। BPCC 132 यहाँ पे देख लो 2 फरवरी को मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट करवाया जा रहा था, लेकिन उसको अभी शिफ्ट कर दिया गया है 4 फरवरी को, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 4 फरवरी को BPCC 132 का एग्जाम यहाँ पे ऐड कर दिया गया, ठीक है। ये सभी चेंजेस किए गए हैं। उसके अलावा 5 फरवरी को BPCC 131 का जो कोड नहीं दिया गया था उसको ऐड कर दिया गया। यहाँ पे 5 फरवरी को जो पुराना डेट शीट रिलीज किया गया था उसमें BPCC 131 को ऐड नहीं किया गया था, जो कि अभी ऐड कर दिया गया है BPCC 131 और 133, तो ये चेंजेस किए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखो BCOLA 138, BCHCT 133, BCHCT 137
7 ये सभी पेपर भी 5 फरवरी का इवनिंग सेशन में नहीं कंडक्ट करवाया जा रहा था, लेकिन इसको अभी अलग से ऐड कर दिया गया। इसके अलावा इको 9 का जो पेपर था वो पहले वाले डेट शीट में 7 फरवरी को कंडक्ट करवाया जा रहा था। यहाँ पे आप लोग देखोगे 7 फरवरी को इको 9 का एग्जाम मॉर्निंग सेशन में था, लेकिन इसको अब चेंज कर दिया गया है। इसको चेंज करके कहाँ पे शिफ्ट किया गया है, 31 जनवरी को। तो पहले 7 फरवरी को हो रहा था, अभी 31 जनवरी को मॉर्निंग सेशन में हो रहा है। यहाँ पे देखो इको 9 का पेपर दिया हुआ है। उसके साथ साथ में 21 फरवरी को जो पहले वाले डेट शीट के अकॉर्डिंगली में जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे थे, 21 फरवरी को सिर्फ 2 पेपर कंडक्ट करवाए जा रहे थे इवनिंग सेशन में, पीएचई 9 और ईएसओ 11, लेकिन अभी उसमें और 2 पेपर को ऐड कर दिया गया। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 21 फरवरी को पीएचई 9 ईएसओ 11 तो है, लेकिन उसके साथ साथ में टूरिज्म का एक पेपर है टीएस 06 और बीपीवाई 012, ये पेपर भी ऐड कर दिया गया है। साथ ही साथ 22 फरवरी को जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे थे यहाँ पे सीएचई 4 नहीं था, ठीक है, लेकिन उसमें सीएचई 4 को भी ऐड कर दिया गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सीएचई 4 को ऐड कर दिया गया और 2-3 पेपर ऐड किया गया, एमवीए 020, एमएमपीसी 007, जो कि ये जो पुराने डेट शीट रिलीज किए गए थे उसमें ये नहीं था। तो बहुत सारे सब्जेक्ट के डेट चेंज किए गए हैं, पहले जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा था और अभी जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है जिस डेट पे, उसमें काफी डिफरेंसेस है, आगे पीछे किया गया है, ठीक है, मॉर्निंग से इवनिंग में शिफ्ट किया गया है और बहुत सारे जो न्यू प्रोग्राम है उनके सब्जेक्ट कोड ऐड नहीं किए गए थे डेट शीट में, उसको ऐड कर दिया गया है। जो सीबीसीएस प्रोग्राम के कितने सारे सब्जेक्ट थे उसको ऐड नहीं किया गया था, उसको अभी ऐड कर दिया गया है। तो अभी आप लोग जितने भी स्टूडेंट दिसंबर 21 का एग्जाम जो 20 जनवरी से 22 फरवरी के बीच में कंडक्ट करवाया जाने वाला है उसमें अपेयर हो रहे हो, तो आप लोग ये जो न्यू डेट शीट रिलीज किया गया है 17 नवंबर को, इसको डाउनलोड कर लो और यहां पे जो भी पेपर का एग्जाम आपका जिस डेट पे है उसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये सेकेंड डेट शीट है, हालांकि इसको भी अभी भी टेंटेटिव डेट शीट ही बोला गया है, यानी कि इसमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा चेंजेस आई होप कि नहीं होगा क्योंकि अब तो एग्जाम फॉर्म भी स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये न्यू डेट शीट रिलीज किया गया, मैंने नोट डाउन करके रखा था जो जो पेपर ज्यादा स्टूडेंट के हैं तो उसको मैंने नोट डाउन करके रखा था कि ये सभी चेंजेस किए गए। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पेपर चेंज किए गए हैं, वो आप लोग अपने अपने प्रोग्राम का जब सिंगल हैंडली देखोगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा, और वो चीज को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ताकि अदर स्टूडेंट को भी पता चले कि हाँ ये पेपर पहले इस डेट पे था और अभी इस डेट पे है, और आप लोग अपने जो जो पेपर है आपका बस उसको नोट डाउन कर लेना कि आपका एग्जाम कब पड़ रहा है। तो अभी पुराने डेट शीट को आप लोग भूल जाओ, जो पुराने डेट शीट रिलीज किया गया था वो अभी उसको छोड़ दो, और जो न्यू डेट शीट रिलीज किया गया 17 नवंबर को उसी के अकॉर्डिंगली में ही आप लोग के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे जो 17 नवंबर को रिलीज किया गया। यहाँ पे आपको और ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सब इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ सेम है। अगर अभी भी आपके कोई भी डेट शीट में कोई प्रॉब्लम है, कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो आप लोग मेल कर सकते हो datesheet@ignou.ac.in, और न्यू डेट शीट के अकॉर्डिंगली कौन से डेट पे आपका एग्जाम होने वाला है वो ढूंढना तो बिल्कुल आसान है, बस इस न्यू डेट शीट को डाउनलोड करो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया गया है। डाउनलोड करने के बाद से अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से चेक कर रहे हो तो कंट्रोल एफ प्रेस करोगे, जो भी आपका सब्जेक्ट का कोड है उसका फर्स्ट 3 या 4 लेटर पुट करोगे तो वो सब्जेक्ट कोड हाईलाइट होता हुआ नजर आ जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से डेट पे वो एग्जाम होने वाला है। जैसे अगर कोई मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है तो वो एमपीएससी पुट करेगा तो सेकेंड ईयर के एग्जाम कब होने वाले हैं वो हाईलाइट होता हुआ नजर आ जाएगा। अगर आप मास्टर ऑफ इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो एमईजी पुट करोगे तो एमईजी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, कौन कौन से डेट पे होने वाले हैं, वो हाईलाइट होता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जो भी आपका सब्जेक्ट का कोड है उसका फर्स्ट 3 लेटर पुट करके उसके बाद से आप लोग अपना एग्जाम का डेट पता कर सकते हो, और ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। तो यही सब था इस वीडियो में, जो न्यू डेट शीट इग्नू की तरफ से 17 नवंबर को रिलीज किया गया था और जो जो चेंजेस किए गए थे उसके बारे में मैं आप लोग को इस वीडियो में बता रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ है ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप ये हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं पे देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।